प्रभु का ही है। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजा ये भगवान की करुणा और दया, भगवान की मित्रता की कथा थी। कहने लगे महाराज, भगवान ग्रहण पड़ा और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में महाराज मेला भरा, उसमें सारे ब्रजवासी आए, भगवान कृष्ण आए, भैया यशोदा और नंद बाबा भी पधारे हैं, और उसमें भगवती राधा रानी किशोरी भी वहां पर पधारी। संत कहते हैं महाराज, रुक्मणी आदि जब भगवान की पटरानियों को ये समाचार मिला कि हमको राधा रानी की आगमन का समाचार मिला है, भगवान से कह रहे कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम भगवती राधा रानी के दर्शन करना चाहते हैं। करिया कहने लगे, देखो दर्शन को तो चले जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना, बस कुछ ना कुछ साथ में लेके जाना। और कहने लगे महाराज, भगवान की आज्ञा का पालन उस दिन से दूर की तो बहुत दूर की बात है, हमने जल भी पान नहीं किया, जल भी नहीं दिया है। भगवान की लेकिन रुक्मणी ने कहा कि देखो देवी, ऐसा है ये दिन आपको भगवान कृष्ण ने भेजा है, कन्हैया ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है। और जब इतनी बात को सुना भगवती रुक्मणी ने उस दुख दुख बात को लिया महाराज, और शीघ्र शीघ्रता से उसका पान कर गई। सुंदर चर्चा हुई महाराज, भगवान की पटरानी जब भगवान के पास लौट कर आई, और लौट कर आने के बाद भगवान के चरणों में जब छाले देखे महाराज, भगवती रुक्मणी ने पूछा कि भगवान आज आप कहाँ गए थे, ये छाले कैसे आ गए। भगवान कहने लगे, देवी ये तुम्हारे दिए हुए हैं, ये तुमने दिए। रुक्मणी कहने लगी, महाराज हमने कैसे दिए। तो कहा, देखो महाराज, जब आप भगवती राधा रानी को दुग्ध पान करा रहे थी ना गरम गरम, और कहा राधा रानी के हृदय में मेरे चरणों का वास है, और तुमने जो गरम दुग्ध पान किया वो छाले उसी के कारण पड़ गए। संत कहते हैं महाराज, भगवान नारायण जब कृष्ण बनते हैं, भगवती रुक्मणी लक्ष्मी बनती है, भगवान नारायण जब राम बनते हैं, भगवती लक्ष्मी सीता बनती है, लेकिन नाम नाम ये राधा कौन है। राधा कृष्ण स्वरूपा वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपणम। संत कहते हैं महाराज, राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। और कहा महाराज, अगर जीवन में त्याग देखना है तो वो भगवती राधा रानी के जीवन में देखो। भगवती राधा रानी महाराज वैसे वृंदावन और मथुरा दूर नहीं है, लेकिन जिस रोज से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर गए थे, भगवती राधा रानी ने भगवान से मिलने को नहीं गई, उनकी याद में रोती रही, उनको पल पल हर क्षण याद करती रही, लेकिन कन्हैया की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं करी। और संत कहते महाराज, हनुमान जी की कृपा के अगर राम नहीं मिलते ना, इसी प्रकार से जब तक राधा रानी जीव के ऊपर कृपा ना करें, कन्हैया भी मिलने वाले नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे तेरे चरणों